है हर्षिता, शहर की सबसे अमीर लड़की और इसे अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड है। ये कभी भी ना किसी की भी नहीं सुनती और हमेशा लोगों का मजाक उड़ाती रहती है। क्यों तुम सब इतने उधम कर क्यों करते रहते हो? तुमसे चुप होते नहीं बनता क्या? तुम्हें पता है मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ और ना तुम्हारे बहुत दांत निकल आए हैं। तुमसे चुप रहते नहीं बनता ऋषिका, तुम भी तो बच्चों को संभाला करो, तुमसे संभालते नहीं बनता क्या? हर्षिता, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्लास की मॉनिटर तुम नहीं मैं हूँ, ठीक है ना? बढ़िया है, मेरे से चलाने तो मैं पता है ऋषिका, मेरा नाम ना हर्षिता है। हर्षिता, मैं ना बहुत ही रिच फैमिली से हूँ। तुम जैसे लोगों को ना मैं चुटकियों में ले खरीद लेती हूँ, तुम जैसे लोगों को। बस बहुत हो गई तेरी पक पक, जाके अपनी ब्रेंच पर बैठ जा। ऋषिका, तू मेरे से ज्यादा मुंह मत चला, तेरी औकात ना सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक है। वो पता नहीं सर ने तुझे कहाँ से इस स्कूल में तेरा नाम लिख लिया। तेरी औकात ना इस स्कूल में पढ़ने की नहीं, तेरी औकात ना सरकारी स्कूल में पढ़ने की है। वो पता नहीं सर ने तेरा नाम कहाँ से लिख लिया। ज्यादा बकबक मत कर, जाके अपनी ब्रेंच पे बैठ जा। बहुत सुन ली मैंने तेरी। मैंने भी तेरी बहुत सुन ली। तुझे ना पढ़ना हो ना तो ढंग से पढ़ ले, नहीं तो तुझे इस स्कूल से निकलवा दूंगी। ज्यादा घमंड मत कर अपनी अमीरी पे, ठीक है ना? मैं नहीं कर रही, तू ही कर रही तेरी गरीबी पे इतना घमंड। गरीबी पे कौन घमंड करता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही करता है घमंड। गरीबी पे ना तू घमंड करती है और कोई नहीं करता। ठीक है बाबा, मैं कर रही हूँ घमंड, जाके अपनी फ्रेंड्स पे बैठ जा। ऋषिका, तू पीछे आती जब तू आगे बैठ जाती है और मैं पीछे आती हूँ, तू मुझे क्यों नहीं बैठने देती? तू आगे आती है तो फिर भी आगे बैठ जाती है। क्या ये सुनो, क्यों चला रही हो? बोलना, बस तुमने मेरी छाटा क्यों मारा? तुम्हें छाटे की बहुत बुरी सजा मिलेगी। बुरी सजा मिलेगी? मेरे से क्यों चलाएगी तू? चल बैठ इधर, बैठ जाके बैठो, ठीक है? और इतना मोबाइल चला नहीं करो, बैठ जाओ। शोर मत करना। बच्चों, आज से आपकी क्लास की मॉनिटर है ऋषिका, ठीक है ना सभी? आज से जो ये बोलेगी ना वही होगा, ठीक है? ठीक है सर। और तुम्हारे एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई करना चालू कर दो तुम सभी, ठीक है? जिसके कम नंबर आए सोच लेना। सर, मैं तो सभी नंबर लाऊंगा। वेरी गुड, पहले तुम 50 ही ले आना, ठीक है? हाँ सर, मैं सही लाऊंगा। डेली तेरे को पास करता हूँ मैं, ठीक है ना? 25 नंबर लाता है 100 में से। चलो पढ़ाई कर लो ढंग से, ठीक है? सारी क्लास के सामने ना इंसल्ट हो गई थी। देख, अब तुझे और तेरे सर को तो मैं देखती हूँ। ठीक है, देख लेना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं और तेरे जैसे छप्पन देखे हैं। उस ऋषिका की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पर उसके लिए करूँ क्या? ऐसा करूँगी जो जिंदगी भर तक याद रखे, पर करूँ क्या? आइडिया। अरे बेटा, आ गई तुम स्कूल से? हाँ माँ। और ये रोज रोज ना ये फैंसी ड्रेस पहन के मत जाया करो, स्कूल ड्रेस पहनना चाहिए ना तुम्हें। माँ, मेरे क्लास वाले कुछ नहीं बोलते, इसलिए मैं तो पहन कर जाऊंगी।
अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। और बाय द वे बेटा, तुम ये इतने सारे रुपए लेकर कहाँ जा रही हो? अरे मॉम, आपको पता है मैं ना मेरी फ्रेंड के साथ ना शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग करना है तुम्हें? हाँ। अच्छा ठीक है, और रुपयों की जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल करके बता देना। ओके मॉम। ठीक है बेटा, चले जाओ। बाय बाय बेटा, जल्दी आ जाना। और ये लो 50,000 रुपीज। तो मैं ना एक ऋषिका नाम की लड़की को ना बहुत तेज पीटना है और स्कूल की सीसीटीवी कैमरा तोड़ना है। हो जाएगा तुम्हारा सारा काम। ठीक है ठीक है, जाओ। चलो असाइनमेंट चालू करो अपने अपने, ठीक है? और अशोका, कल से अच्छी ड्रेस पहन के आना, ठीक है? ये नहीं चलेगा तुम्हारा। किसी ने भी चीटिंग करी ना, उसका कनपट्टा सजा दूंगा मैं। हंसो मत, एग्जाम तो आगे देखते हैं। बताऊं तेरे को, ये मोबाइल कहां पे रखा है? मोबाइल कहाँ पे बज रहा है ये बताओ मुझे। सर मेरे पास तो नहीं बज रहा, देख लो। जिसके पास भी मोबाइल है ना, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो। सर मेरे पास से तो नहीं आ रही, ऋषिका के पास से ही आ रही, देख लो बता। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कोई मोबाइल लेकर नहीं आया। क्या पहले इधर मेरे पास। सर जल्दी आओ, निकालो जल्दी अपना मोबाइल। सर मैं कोई मोबाइल लेकर नहीं। मोबाइल निकालना जल्दी से, जब तक आप निकाले। ये कहाँ से आया मोबाइल? मेरा नहीं है सर। पर किसका है? तेरी जेब में से निकला है ना? सर मैंने मोबाइल घर से नहीं लाई थी। तो कहाँ से आ गया तेरी जेब में? जादू से आ गया। चुपचाप वहां से बैठ जा, ये फाइनल एग्जाम है, ठीक है ना? इनमें फेल होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? और किसी भी बच्चे ने चीटिंग करी ना तो सोच लेना उसका अंजाम क्या होगा, ठीक है ना? एग्जाम करवा के देखे अपने, और तू बैठ वहां पे चल। ये तेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, ठीक है ना? आइंदा से ना हो जाए ऐसा, ठीक है? आ रही है ना समझ में? चल बैठ। तुम रिश्वत देती हो? हाँ तुमने जिसको रिश्वत दी थी वो मेरा पड़ोसी था। 50,000? तुम्हें तुम्हारे पैसों पर बहुत घमंड है ना, तुमने ऋषिका को भी नहीं छोड़ा। हाँ तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाता है अभी इसी वक्त। चलो जाओ। मुझे इस स्कूल की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ना बहुत स्कूल मिल जाएंगे, ये स्कूल खास नहीं है मेरे लिए। तुम्हें भी है ना इस स्कूल से निकाला जाता है, तुम्हारे इस स्कूल को जरूरत भी नहीं है। चलो निकलो, एडवांस चलो निकलो, बैग उठाओ ना, रामजान है आज के बाद। Twice, yeah, you're an angel, and all.
आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई स्कूल से? क्या हुआ? अरे वो क्या है ना माँ, वो क्या? मुझे सीधा साफ साफ बताओ क्या हुआ। वो क्या है ना माँ, मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्या किया तुमने? अरे अब बोलोगी भी क्या हुआ? वो मॉम, मैंने ऋषिका पर मोबाइल का इल्जाम लगा दिया। वो एग्जाम दे रही थी, मुझे उस पर गुस्सा आ रही थी, उसे मॉनिटर बनाया इसलिए। क्या बदतमीजी है ये? हाँ तुमने उस पर झूठे इल्जाम लगवाया। और सच सच बताओ तुम उस दिन पैसे लेकर क्यों गई थी? माँ वो मैं ना एक गुंडे को रिश्वत देने गई थी ऋषिका पर। ऐसे काम करने लगी हो तुम, गुंडे को रिश्वत देने गई थी? हाँ बहुत ज्यादा ही हकड़ी दिखाती हो तुम। मम्मी हम इतने अमीर तो हैं, आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? अमीर हैं हम? हाँ अमीर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रिश्वत देती फिरो या फिर अपने क्लासमेट्स पे ऐसे चोरी का इल्जाम लगाती रहो। हाँ ये कमाया हुआ पैसा है बहुत मेहनत का, हम गरीब से ही अमीर हुए हैं। अगर तुम पैसा यूं ही बर्बाद करोगे ना तो ये पैसा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हाँ बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल तो गरीब लोगों की मदद करने में किया करो, गरीब लोगों की मदद करने में किया करो, उसको अच्छे काम के लिए यूज किया करो, जरूरतमंदों की मदद किया करो। और तुम पैसे यूं ही लुटा दोगी तो एक दिन हम ऐसे ही गरीब हो जाएंगे। हाँ अब तो मैं कौन से स्कूल में भर्ती कराऊँ? अच्छा हुआ वो सस्पेंड लेटर और ना दे दे, नहीं तो दुनिया के किसी भी स्कूल में चले जाओ तुम, कोई भी एडमिशन नहीं लेगा। अब तुम ना ऋषिका से माफी मांगना और तुम्हारे प्रिंसिपल से भी सबसे माफी मांग लेना और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। समझ गई हो ना मेरी बात? हाँ सॉरी बोलना ऋषिका को, अंडरस्टूड? ठीक है जाओ ऋषिका से सॉरी बोल कर आओ और तब तक मत आ जाना जब तक सॉरी ना बोलो। ज्यादा ही सर पे चढ़ा दो इन लोगों को, हमारे पास पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चों को बिगाड़ दें। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे बहुत घमंड था हमारे पैसे पर। अरे तुम में ये अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? अरे वो ना मेरी माँ ने मुझे समझाया। चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऋषिका मैं ना दोबारा से पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे कोई मॉनिटर नहीं बनना, मुझे बस पढ़ाई करना है। अच्छा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रिंसिपल सर से बात करूँगी और तुझे फिर से एडमिशन दिलवा दूँगी। ठीक है? थैंक यू ऋषिका। वेलकम, जाकर आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो तुम। ठीक है? ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो ना ऋषिका, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया पर तुमने मेरी मदद की। इंसान तो इंसान के काम आता है ना। हाँ चल ठीक है अब तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। थैंक यू।